मंथन करते हैं। कहते हैं बच्चों के माता पिता ही उनके प्रथम गुरु होते हैं और इसी परिकल्पना को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित करने के अलावा सैकड़ों बुजुर्ग माता पिताओं का स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें उपहार स्वरूप भेंट प्रस्तुत कर सम्मानित करने का कार्य किया गया है। यह आयोजन जिले के आदिवासी बाहुल्य परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम बड़गांव में किया गया। वहीं इस अनूठे कार्यक्रम की क्षेत्र में काफी चर्चा भी हो रही है। आयोजन को लेकर ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती राधनबाई उइके ने बताया कि माता पिता ही बच्चों के पहले गुरु होते हैं, इसलिए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर इस छोटे से गांव में क्षेत्र के सैकड़ों माता पिताओं को भेंट देकर उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया गया। वहीं इस बात का भी खास ध्यान रखा जाता है कि इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को किस तरह बेहतर बनाया जा सके, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि हर जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी सहित अन्य गणमान्य अगर यह ठान ले कि उन्हें अपने बच्चों को केवल सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना है तो यह भ्रम सदा के लिए समाप्त हो जाएगा कि सरकारी स्कूल निजी स्कूल से कहीं पीछे है। वहीं उन्होंने बताया कि यह आयोजन पिछले 10 वर्षों से निरंतर चले आ रहा है और शायद यह आयोजन का ही परिणाम है कि आदिवासी क्षेत्र में अब शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। कहीं ना कहीं इस आयोजन से एक ओर जहां शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया जाता है तो दूसरी ओर यह आयोजन माता पिता को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आज के बच्चे कल के भविष्य है। मैं श्रीमती गंगेश्वरी चौहान शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय बड़गांव में पदस्थ हूँ। आज इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमारे शिक्षक दिवस और सह बुजुर्ग सम्मान समारोह मनाया गया, जिसमें सभी गांव के बुजुर्ग, इस ग्राम पंचायत में 4 गांव आते हैं, साले, डोरली, चकटोला और कातलबोड़ी, वहाँ के सभी बुजुर्गों, सभी बच्चे, बुजुर्ग बड़े, सभी लोगों को बुलाया गया, शिक्षक साथी को बुलाया गया और उनका बहुत अच्छे से पैर पखार के माला पहनाकर और सह सम्मान हमको आदर के साथ में लाया गया और हम लोगों का सम्मान बहुत अच्छे से किया गया, जिसके हम लोग इस गांव के और गांव के मुखिया सरपंच भैया और दीदी के बहुत बहुत आभारी। सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार, सादर सेवा जोहार। और आज 5 सितंबर है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर हम लोग हर वर्ष बुजुर्ग सम्मान दिवस और शिक्षक दिवस मनाते हैं। लगभग 10 वर्ष हो गए हमारे गांव में इस तरह सम्मान किया जाता है, जिसका परिणाम यह है कि हमारे शिक्षक में एक ऊर्जा उत्सव देखने को मिलता है और हमारे काफ़ी बच्चे सरकारी स्कूल में अध्ययनरत हैं। यहाँ में मेरे बालक खुद प्राथमिक शाला साले डोरली में विद्या अध्ययन करता है और इसी मिसाल को आगे बढ़ाते हुए मेरा और मेरे ग्राम पंचायत की ओर से मेरा पूरा फोकस शिक्षा में मेरा फोकस है और खुद मैं शिक्षा से रूबरू हूँ। शिक्षा में मुझे बहुत सारी कठिनाई है, मेरा एजुकेशन भी हाई है और शिक्षा को मैंने अच्छा से अपने नज़रों से देखा है कि क्या कमी आती है शिक्षा में, इसलिए मैंने अपने ग्राम पंचायत में शिक्षा को अव्वल लाने के लिए मैंने ये फोकस और संस्कार, शिक्षा ऐसी शिक्षा हो कि संस्कार भी हो, बगैर शिक्षा संस्कार के वो अधूरी रहती है, इसलिए शिक्षा और संस्कार दोनों एक साथ हो, इसीलिए हमने ये संस्कार को बनाए रखने के लिए, ये परंपरा को बनाए रखने के लिए हमने यह प्रेरणा लिया है जी। आज के कार्यक्रम के लिए तो आप सभी को सादर सेवा जोहार। जैसा कि आपने देखा कि हमारे छोटे से गढ़ा ग्राम पंचायत बड़गांव में हमने शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर बड़े बुजुर्ग माता पिताओं का भी सम्मान किया करते हैं। सर्वप्रथम उनके हम पैर धुला करके हमारी पारिवारिक संस्कृति के आधार पे हमारी शिक्षक और माता पिताओं का हम चरण
धुला करके स्पर्श करके उन्हें सर सम्मान मंच में ला करके उनका सम्मान करते हैं, जिससे कि हमारे माता पिता का सम्मान सर्व से हो सके। और जिन शिक्षकों ने हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, संयम देते हैं, आज के इस युग में लड़ने का साहस देते हैं, उनका भी हम आज के इस शिक्षक दिवस के समारोह कार्यक्रम में हम सम्मान करते हैं। और यह कार्यक्रम जो है लगातार पिछले 9 से 10 वर्ष से हम लगातार करते आ रहे हैं। इसमें हमारे पूरे ग्रामीण लोगों का पूरा सहयोग रहता है, पूरा ग्राम पंचायत परिवार एक होकर के इस कार्यक्रम को करते हैं और आगे भी हम करेंगे, जिससे कि हमारे ग्रामीण स्तर के जो शिक्षा स्तर है वो मजबूत हो सके और घर के माता पिताओं का भी सम्मान हो सके। निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजन न केवल शिक्षक और माता पिता के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी प्रेरणादायक है। इस तरह के आयोजन शिक्षकों के प्रति आदर सम्मान के साथ साथ अपने माता पिता के आदर सम्मान की भी सीख देती है। स्वागत मेरा चलते हुए मैं समस्त गणवासियों से चाहूंगा सम्मानी सरपंच महोदय के स्वागत के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।